ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को आप बिना भगाए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी जो है रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो तेलंगाना में भारी बारिश के कारण अब तक 29 लोगों की मौत, राजस्थान में जयपुर अजमेर में भारी बारिश के कारण डूबी है सड़कें, 19 राज्यों में आज अलर्ट है जारी। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है, पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में जो है भारी बारिश देखने को मिली है। वही तेलंगाना में भारी बारिश के चलते 29 जिलों में बाढ़ आ गई है। वही 31 अगस्त से हो रही बारिश के कारण अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। वही राज्य में बाढ़ के कारण 5,438 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक जो है कुल 626 mm बरसात हुई, जो कि सामान्य से जो है 57% ज्यादा है। वही राजस्थान में हुई तेज बारिश के कारण अजमेर और जयपुर के अंदर जो है दोनों इलाकों के अंदर सड़कों पर कल पानी भर गया। जयपुर में जो है लोगों को जो है यहाँ पर 30 किलोमीटर का सफर तय करने में 6 घंटों का समय कल यहाँ पर लग गया। अजमेर का पुष्कर लेक का जलस्तर भी बढ़ गया है, लेक 52 फीट पानी में डूब गई है। मौसम विभाग ने जो है आज जो है MP समेत देश के 18 राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। जिन राज्यों में आज बहुत भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की उनकी बात करें तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, ये 4 राज्य ऐसे जहां पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा MP, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में जो है भारी बारिश को लेकर चेतावनी यहां पर दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में मौसम विभाग ने जो है 10 तारीख तक मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, मौसम विभाग की ओर से जानकारी यहाँ पर दी गई है। वहीं मदिनापुर और पश्चिम मदिनापुर, उत्तर दक्षिण 24 परगना और झारग्राम में भारी बारिश की संभावना जो है इस राज्य के अंदर जताई गई है। तो देश भर में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। कल की बात करें कल के मौसम की, तो कल भी जो है आगम 24 घंटों में MP, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देश के अंदर लगातार बारिश का दौर जारी है, भारी बारिश को लेकर चेतावनी यहां पर दी गई है। मानसून में अब तक देश में 8% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अब आपको राज्यभर मौसम विभाग के समाचार बताते हैं, मतलब राज्यपुर विस्तार यहाँ पर राज्य के सभी राज्यों के जो है यहाँ पर मौसम खबरों की यहाँ पर एक बार विस्तार पूर्वक जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले MP की बात करें तो शिवपुरी, शिवपुरा समेत जो है शिवपुर और शिवपुरी सहित 7 जिलों में आज भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। दरअसल बात यह है कि मानसून ट्रफ और लो प्रेशर एरिया बनने के कारण जो है MP में जो है लगातार बारिश का दौर जारी है। आज जो है शिवपुरी, शिवपुर समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वही भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। 11 तारीख से प्रदेश में बारिश का जो एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, जिसका असर भोपाल, इंदौर में यहाँ पर रहेगा। यानी इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम के कारण जो है यहाँ पर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। तो कुछ इलाकों में हल्की तो कुछ इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो ये मौसम की कुछ परिस्थितियां जो है फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे बात करते हैं राजस्थान के मौसम की, तो आखिर राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम आगामी 24 घंटों में, किस तरह की रहने वाली है स्थिति। तो राज्यभर में राजस्थान की बात करें तो 16 जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट राजस्थान के अंदर भी है। टोंक, सिरोही, झालावाड़, अलवर में 3 इंच तक पिछले 24 घंटों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। दरअसल राजस्थान में भारी बारिश का दौर कल भी जारी रहा। अलवर, सिरोही, झालावाड़, टोंक, चित्तौड़गढ़, बारा समेत कई जिलों में जो है 2 से 3 इंच तक जो है बरसात रिकॉर्ड की गई है। 2 से 3 इंच जो है बरसात हुई है। लगातार हो रही बारिश, यानी लगातार हो रही बारिश से जो है सूरज जो है यहाँ पर नहीं निकलने से जयपुर, बारा समेत यहाँ पर और शहरों में सूर्य नहीं निकलने के कारण जो है यहाँ पर तापमान 29 डिग्री के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में जो है यहाँ पर उतराव चढ़ाव की स्थिति जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये कुछ राजस्थान के मौसम को लेकर जानकारी सामने आ रही है। अब बात करते हैं बिहार के मौसम की, तो बिहार में कैसा रहेगा आगामी 24 घंटों का मौसम। तो बता दें आपको कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 6% ज्यादा बारिश यहाँ पर हुई है, लेकिन 2022-24 में 2023-32% यहाँ पर कम बारिश फिलहाल हुई है। दरअसल बात यह है कि बिहार में जो है मानसून अब आखिरी पड़ाव पर है, और इस सीजन में जो है यहाँ पर
99 दिन बीत चुके हैं सीजन के और 11 दिन अभी शेष है। अब तक जो है मिले आंकड़ों के अनुसार राज्य के अंदर 26% कम बारिश जो है वो हुई है, जबकि 2023 में जो है 760 mm बारिश हुई थी, यानी सामान्य से अभी 24% कम बारिश हुई है। वही 2023 में 760 mm बारिश हुई, जो कि सामान्य से 32% मिलाने पर कम है। तो ये कुछ स्थिति जो है अभी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में एक्टिवा पश्चिम विक्षोभ सर्कुलेशन जो है उसकी वजह से यहाँ पर भी सर्कुलेशन कमजोर पड़ गया, जिसके बाद अब पंजाब चंडीगढ़ में मौसम में भारी बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ में बारिश की संभावना 0 से 25 फीसदी तक सीमित रहेगा, जिसके चलते कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये कुछ देश भर में मौसम की स्थितियां जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज जो है बारिश का येलो अलर्ट है, कई जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में आज जो है भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज कोरिया, कोरबा, धमतरी और इसके अलावा गरियाबंद और दंतेवाड़ा, सुकमा और इसके अलावा जो है नारायणपुर जिलों में एक दो स्थानों पर हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार जताए हैं। तो कुछ इलाकों में हल्की मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज बारिश के आसार फिलहाल जताए गए हैं। अब राज्य भर आंकड़ा देख लेते हैं कौन से राज्यों में कितनी परसेंट यहाँ पर बारिश हुई है। तो बता दें सबसे पहले राजस्थान की बात करें तो देश में सबसे ज्यादा बारिश हुई है राजस्थान के अंदर। इस बार जो है 57% राजस्थान में ज्यादा बारिश हुई है। 398 mm अब तक होनी चाहिए नॉर्मल, अब तक 756 हो चुकी है, 57% ज्यादा बारिश राजस्थान में हो चुकी है। MP में 9% और 9% ज्यादा हो चुकी है। इसके बाद गुजरात में 51% ज्यादा बारिश हो चुकी है, महाराष्ट्र में 28% और दिल्ली में जो है 19% ज्यादा बारिश हो चुकी है। वही उत्तर प्रदेश में फिलहाल 14% माइनस में आंकड़ा है, यानी 14% कम बारिश हुई है। हिमाचल में 21% कम बारिश हुई है, तो वही जम्मू कश्मीर में 20% यहाँ पर कम बारिश हुई है। तो वही 26% बिहार में भी जो है बारिश का आंकड़ा कम नजर आ रहा है। तो ये कुछ देश भर में जो है बारिश की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक जरूर कर ले, वीडियो को चैनल पे आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आप बेल आइकन दबा सकते हैं रोजाना की खबरें प्राप्त करने के लिए।